इसी के साथ भाई निकलते हैं भाई और चलते हैं, एक जो अपने पेंडिंग काम है उसे निपटा लेते हैं जल्दी से चल के। फिर उसके बाद भाई आज मॉर्निंग में जिम चलेंगे, जो अपनी क्योंकि बीच में एक छुट्टी हो गई थी मेरी, इसलिए आज मॉर्निंग में चल के जिम करेंगे। और आज तो चल के जिम का भी आपको दिखाएंगे अपनी एक्सरसाइज कैसे क्या करते हैं भाई। वैसे तो ऋषि के साथ करते हैं और ये लड़का इतनी बेरहमी से एक्सरसाइज कराता है, देख ही चुके हो लास्ट व्लॉग में। अच्छा देखा कहाँ उसने, शायद नहीं पढ़ा है जिम का, नहीं पढ़ा है। हाँ तो आज प्रॉपरली जिम का टूर भी देंगे आपको कि कैसे जिम करते हैं, किस क्या क्या करते हैं एक्सरसाइज। और बाय द वे आज है संडे, वैसे तो जिम की छुट्टी होती है आज, हम लोग आज रेस्ट करते हैं संडे को, बट क्योंकि बीच में एक दिन ऑफ हो गया था नहीं जा पाए थे, इसलिए आज हम लोग उस वाली एक्सरसाइज को कम्प्लीट करेंगे। और आज मोस्ट प्रॉबली चेस्ट करेंगे या फिर देखते हैं शोल्डर करते हैं, इन दो में से कोई एक कर लेंगे चल के। सो चलते हैं वो कराते हैं या ले काम पहले, फिर उसके बाद निकलते हैं यहाँ से और मिलते हैं थोड़ी देर बाद आपसे सीधा मंदिर की तरफ। धूप हो रखी है तेजी वाली और गाड़ी नहीं निकाली क्योंकि वॉकिंग डिस्टेंस पे ही मंदिर है, इसलिए ऐसे ही चल रहे हैं बिना गाड़ी निकाले। ये है भाई मंदिर, देख पा रहे हो, जैसे देख रहे हो भाई ये पूरा मंदिर है ऊपर, दिस इज द मेन मंदिर जहाँ पे हम वो करते हैं। और यहीं पे अभी चप्पल वप्पल उतार के अंदर चल के दर्शन करेंगे चल के। बढ़िया ये देखो भाई, ये ही है मंदिर जो नवरात्रि में कितना सजा वजा के एकदम होता है, मारा देवी मंदिर। और फाइनली हम लोगों ने इस मंदिर से दर्शन कर लिए और देख रहे हो कितना अच्छा लग रहा है। अंदर नहीं दिखा पाए क्योंकि भीड़ बहुत थी यार, और दूसरी चीज़ फिर अंदर फ़ोन निकालना भी अलाउड नहीं है, तो रूल्स को फॉलो करते, रूल्स को ना तोड़ना ही सबसे बेस्ट है। अभी हम निकालेंगे तो चार और लोग निकालेंगे, उससे अच्छा है रूल्स को फॉलो करो, ऐसा पूरा सीन है भाई। और देख लो भाई, आओ आप लोग भी आओ नवरात्र में तो इवन ज़रूर आओ, बहुत अच्छा लगेगा आपको भी। पूरा सीन है और भाई मेरे पीछे देख पा रहे होगे मंदिर को, यही है मंदिर कानपुर में बारा देवी, बहुत ज़्यादा इसकी सिग्निफिकेंस है, स्टोरी है पूरी जो कि यूट्यूब पे ऑलरेडी पड़ी हुई है, देखना तुम लोग भी और आना, मस्त है ऐसा पूरा सीन है। सो भाई निकल चुके हैं भाई, मंदिर के दर्शन करा है भाई अच्छे से और अब चल रहे हैं अपने भाई, एक लोग से आपको मिलाएंगे अभी चल के अभी, और चल रहे हैं भाई गाँव, थोड़ा जो पेंडिंग काम है उस पेंडिंग काम में, यार पेंडिंग काम क्या, चलो बता देते हैं यार, कुछ सामान लाना है यार, तो भाई गांव जा रहे हैं, जानते हो यार गांव से जुड़े हो ना यार, इज लाइक किसान खेती, और खेती किसानी वाले इंसान हैं हम, और बस वही सब उसी से वही सब का सामान लाना है और क्या लाना है। गड्डी देखो पीछे खाली गड्डी है, बस ये भर जाएगी भी थोड़ी देर में। चलना है भाई अभी एक लोग को लेते हैं चल के, और चलो ठीक है पहले ले लेते हैं फिर मिलते हैं आपसे उनके साथ। सो लेट्स गो। सो भाई ऐसा पूरा सीन है और भाई अब थोड़ा बहुत पेट्रोल भी डल जाना चाहिए गाड़ी में, और मौज काटो भाई अभी तो शुरुआत है। हाँ चालू कर दो। सो अभी तो स्टार्टिंग है ये, सो लेट्स गो मैन। सो ऐसा पूरा सीन है भाई, चलते हैं और ले भाई 500 रुपया कितने पेट्रोल आता है वो भी, क्या देख रहा है कितना कम पेट्रोल आ रहा है जरा से पेट्रोल में भाई 500 में, देखो कितना है 5.298 लीटर सा। ये आ गया भाई यश एकदम भाईचारे में अपने, और ब्लॉगिंग ना बंद होगी तुम्हारी। अरे ब्लॉगिंग पे ही तो चल रहे हैं यार, और ओ भाई साहब जाम, अच्छा हुआ भाई ऊपर से नहीं आए वो बेटे, रात से लगा है भाई ये। भाई यश ने कहा भाई भाई बच गया भाई, अबे सही बच गया भाई, ये तो हमने देखा ही नहीं भाई, इतना जाम लगा हो रखा ऊपर। आज वापस से भाई तुमको KIT ले चल रहे हैं आज, आज चलो घूम के आते हैं दोनों भाई। बैक विद गांव की गली है और दिस इज द फर्स्ट ऑफ रोडिंग,
ये देखो भाई कितनी पतली पतली गलियां हैं। और आज हमारे साथ भाई अकेले आ रहे थे भाई, तो अकेले में हमने कहा भाई यार अकेले नहीं जाऊंगा भाई। मेरे भाई यश पहले तो नाटक करा थोड़ी देर, नहीं जाऊंगा, फिर मना लिया मन ने, आ गया भाईचारा, भाईचारे में अपने भाईचारा ऑन टॉप, क्या बोलता है बिल्कुल भाई। और वो देखो भाई एयरपोर्ट है, वी आर गोइंग टू, बहुत जल्दी एक ऐसा व्लॉग देखोगे जब हम होंगे, यश की वाइफ होगी और यश होगा अभी से अच्छा मतलब यश नहीं होगा भाई, बंदी बंदी बिलीव नहीं करते यार हम, आई एम नॉट अ गर्लफ्रेंड पर्सन, आई एम अ हस्बैंड मटेरियल, आई बिलीव इन वाइफ नॉट इन गर्लफ्रेंड। तो भाई वाइफू बनाओ, तो वाइफ क्या होती है? अबे भाई मेरी बहन ब्लॉग देखती भाई, फोन आ जाएगा उसका मेरे पास अभी बनाओ तेरी वाइफू है। सही बात है भाई, लेकिन जब से दीदी जब से बीटेक करने लग गए ना भाई, तब से हम बहुत चीजें खुल गए यार। हम खाली बोल देते हैं ऐसा, सच मत समझ लेना तुम, ठीक है? और क्या भाई, हमको पता है तुम देख रही हो, फोन कर दोगे पटाक से अभी ये सब चीजें। हम और यश भाई के साथ हाईवे की गर्मी गर्मी मजे लेते हुए, हॉर्न तो भैया इतनी देर तक बजा रहे थे, निकल फिर भी नहीं पाए। ये आ गया भाई अपना पुराना सेंटर, जहाँ भाई 5 पेपर दिए। यश भाई की खास याद जुड़ी है यहाँ से, ना बोलो खास याद, देखो फ्रेम में आ रहा है यश भाई इसके आईटी के भाई अगली बार पेपर हो तो यार कहीं और हो यार, आईटी घूम लिए है, अब आईटी घूमने का मन नहीं कर रहा भाई, अब कहीं और होना चाहिए पेपर। क्या कहते हो तुम, तो कहोगे भाई तुम्हारी तो कुछ यादें हैं अच्छी सी यहाँ पे भाई ये देखो ट्रक का हिस्सा है, सी क्या दो एक में जुड़े हुए हैं, अबे सारे ट्रक ऐसे होते हैं अंदर से भाई, इसके पीछे बहुत बड़ा सिग्निफिकेंस है। पता है क्या ये ऐसा डिजाइन में क्यों है? क्योंकि भाई ये पेट्रोल वाले ट्रक्स होते हैं, जब ये चलते हैं भाई तो लिक्विड की फ्लूडिटी जो होती है वो मोशन बहुत तेज करती है अंदर, इस वजह से इनके ऐसा शेप बना था कि ताकि डिसबैलेंस ना हो। बीच में अंदर प्लेट भी होती है, बीच में अंदर प्लेट्स भी होती है यस, ताकि इक्वल अमाउंट में डिस्ट्रीब्यूट रहे सारा लिक्विड एक जगह पर। ऐसा पूरा सीन है भाई, क्यों नहीं पियेंगे? तुम्हें तो भाई ये नहीं पीनी थी, चिल्ड है लेकिन ये भी। चलते है भाई, निकलते है भाई, हो गया भाई सारे काम, पीछे तो पड़े भी होंगे सामान, भैया ही लेने आए थे, हो गया। सो लेट्स मूव वापस से घर की ओर, यश भाई को उनके घर उतारते हैं, फिर चलते हैं अपने घर और फिर चलते हैं आज थोड़ी बाल बाल कटिंग कटिंग कराते हैं चल के, और फिर जिम चलते हैं लेके आपको। सो मौज करो। ये है फाइनली आउटलुक हमारे बाल कटने के बाद, कटवा लिए बाल, आ गए थे घर, अब हो गई शाम, अब चल रहे हैं प्रॉपरली जिम, जैसे रात में जाते हैं बट लेकिन आज संडे है सो आज जल्दी चलते हैं जिम। शाम में रात चल के आपको अपने जिम का टूर देते हैं और ऋषि साहब से मिलाते हैं जो कि हमारे ट्रेनर भी हैं, और ऐसा पूरा सीन है भाई, निकलते हैं। और देखो अभी शाम हो रखी है एकदम बढ़िया वाली, धूप वूप भी एंड हो रही है, सनसेट होने वाला है, सो ऐसा पूरा सीन है, निकलते हैं नीचे और चलते हैं मौज मस्ती काटते चलते हैं। पहले मिलो भाई हमारे ये जिम मेट से, ये किक्की है, किक्की इधर देखो, इधर देखो, आओ ऊपर आओ किक्की, ये किक्की आओ ऊपर आओ, ऊपर आओ, वेरी नाइस भाई। ये हमारी जिम मेट है, हमारे साथ खेलती है, हमारा वार्म अप कराती है और फिर हम लोग जिम करते हैं। देख रहे भाई बहुत प्यारी है यार ये, वेरी बैड। ऋषि सर आ रहे हैं अभी, ट्रेनर सर, और ट्रेन करेंगे अभी आके कैसे करना है कैसे नहीं करना है। और देखो खेल ले भाई, ये खेलती बहुत है, हैंडशेक करो, लाओ हाथ लाओ हाथ लाओ भाई, मन पे है इसके, इट्स अ फीमेल डॉग गाइस, शी इज अ, और बहुत प्यारी है भाई। भाई कुत्तों से यार एक नेक्स्ट लेवल ऑब्सेशन है भाई, हमें समझ लो नेक्स्ट लेवल, चाहे वो कोई भी ब्रीड हो, मुझे ब्रीड्स वगैरह नहीं पता होती डॉग्स में, बट कोई भी हो
कुत्ता है तो इट्स मीन ऑब्सेशन है उससे, ऐसा पूरा सीन है भाई। अब स्टार्ट करते हैं जिम, आ जाए ऋषि, जिम जाते हैं। तो ये है गाइज हमारी जिम, जिसमें हम करेंगे प्रैक्टिस, खूब चढ़ के अपनी बॉडी को करेंगे ट्रांसफॉर्म। वी आर गोइंग टुडे फॉर चेस्ट एक्सरसाइज, अब हम चेस्ट करेंगे। सबसे पहले ये वाली होगी, नाम मत पूछ लेना मेरे से, नाम के लिए ऋषि बताएगा कि क्या नाम किसका क्या है। हट जा, प्रेस देन दिस। सबसे पहले वही करेंगे, कहता लेग टू पुल, क्या क्या नाम था उसका एक्सरसाइज वाले का, इस वाली का क्या नाम है, लेट पुल डाउन, लेट पुल डाउन करेंगे, देन हम लोग बेंच प्रेस करेंगे, अपर चेस्ट, आफ्टर दैट अपर चेस्ट करेंगे, देन लोअर चेस्ट करेंगे, लोअर चेस्ट तो करते नहीं हो, एंड हमारी चेस्ट की एक्सरसाइज कंप्लीट। केवल चेस्ट करेंगे आज, क्योंकि बीच में एक दिन चेस्ट मिस हो गई थी, इसलिए चेस्ट करेंगे आज। चलो करते हैं, तुम कहाँ बैठ रहे हो भाई, इट्स माय टर्न। भाई ऐसा पूरा सीन है भाई, और ये एक्सरसाइज अपनी कंप्लीट हो चुकी है, चार सेट्स कर चुके हैं, और वैसे तो 15 की जिस पे करते थे, बट आज तुम्हारे भाई ने एक इंक्रीज कर दिया है। और ये देखो जरा जरा चीज़ों में पानी पीने ला करें, हड़ा टक्कन खोल है, ठंडा है ना है। गाना कनेक्ट कर, गाना चला भाई, देख रहे हो मेरी बॉडी, बॉडी बन गई है भाई, बन गई है। तुम लेबर ऐसे लग रहे हो, इतनी बॉडी ले, इतनी बॉडी लेबरों की भी होती, देखो दूर देखो लेबर लग रहा है, ये होती है भाई रियल बॉडी, देख रहे हो भाई सर, ये होता भाई बॉडी नहीं है। देखो ऐसा पूरा सीन है भाई, अब इसके बाद करने वाले हैं बेंच प्रेस। सो गाइस बेंच प्रेस की तैयारी करो, मेरी मेरी डिस्क लगाओ, ये तो एक घंटा वो यही के बाहर, नहीं पता है ट्रेनर हमको ऐसा क्यों लग रहा है, तुम कितने वाले काम करते हो भाई। जो लोग जिम जाते हो प्लीज कमेंट करके बताना इसको कि ट्रेनर ये सब करते हैं कि नहीं करते हैं। ये तुम्हारा नाम भी देखो इसीलिए 50,000 ट्रांसफर, तुम्हारा नाम भी इसीलिए भाई रख दिया गया है। छोड़ो नाम नहीं बोलेंगे यार गाइस, अभी नाम बोलेंगे अपने बर्थडे वाले ब्लॉग में, ऋषि का नाम बताऊंगा बर्थडे वाले ब्लॉग में, तब तक के लिए वेट करो। और बहुत एक्साइटिंग नाम है, बस इतना जरूर याद रखना, हर कोई चाहता है वो नाम जो ऋषि का है घर का, बताएंगे 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 वहाँ बताएंगे फिर कभी। तो चलो नहीं बताया मैंने, सो आज का ब्लॉग हमारे ऋषि सर करेंगे भाई, लेट्स स्टार्ट विद द बेंच प्रेस, लेट्स गो। बस हो चुका है इनका, ओ भाई भाई। सो भाई ऐसा थे भाई, पांच पांच के भाई थे 10, इट मींस 10 केजी का हमने एक सेट किया अभी, और सोच रहे हैं इसको अब अपग्रेड करके 7.5 केजीस मिले हैं, इट मींस 15 केजीस का कर लेंगे एक सेट बहुत जल्दी, इस पे ट्रांसफॉर्म करेंगे भाई। जब उस पे तो हम अभी तक 15 केजीस पे करते थे, बट हमने उसको आज 5 का अपग्रेड कर दिया है, सो उसको 20 केजीस पे करेंगे आज से, आज मैंने किया बाय द वे 20 पे, और इसको अभी तक 10 पे करते थे अब, लेकिन 15 पे करेंगे इन दोनों को मिला करके 15। और डंबल भी मेरे 5-5 के रहते थे, 10 किलो के रहते थे एक सेट में, बट उनको भी करेंगे अपग्रेड, और 7.5 to 15 केजीस के आसपास आ जाएंगे, ऐसे करते हैं। सो इसके चार सेट कंप्लीट कर लेते हैं, देन उसके बाद हमारी नेक्स्ट एक्सरसाइज होगी जो कि ये है अपर चेस्ट, टेन देखते हैं मौज करते हैं। ये देखो भाई इस टाइम ये डंबल कर रहा है अपनी, ये आज बाइसेप कर रहा है, हम लोग चेस्ट कर रहे हैं। सो अपनी बेंच प्रेस कंप्लीट हो चुकी है, और बाय द वे 7.5 मिला के 15 के भाई चार सेट कर दिए कंप्लीट, लेट्स गो। सो फाइनली आज की एक्सरसाइज होगी डन, चेस्ट की कंप्लीट कर चुके हैं भाई। ये देखो तुम्हारे भाई ने सीधा पकड़ कैमरा ऐसे,
दिस इज माय द लुक फॉर टुडे। इतनी भाई ट्रांसफॉर्मेशन करी है, देखी भाई तुम लोगों ने। तो भाई ऐसा पूरा सीन है भाई, वापस से भाई जिम करने के बाद अपने गन्ने का जूस ठीक है पीने लगे। कर दे रहा आज, ठीक है प्रीति। उस दिन तो भाई बहुत दर्द कर रहे थे, आज चेस्ट करी है तो वो निकली भी लग रही होगी थोड़ी चेस्ट। और ऋषि अभी जूस पिलाएगा हमको, बढ़िया सा ताजा ताजा देने वाला है। बता दो क्या नाम भाई, गन्ने का रस ताजा। यहाँ पे आओ सारे भाई लोग, जूस पियो भाई को। देखो ध्यान से, हाँ ये देखो कर रहे थे। ऐसा पूरा सीन है भाई। भाई तुम्हारी दुकान पे सबको बुला देंगे हम, तुम्हारे वो बढ़वा देंगे कस्टमर। आई एम अ यूट्यूबर। ये देखो बच्चों की तरह स्ट्रॉ से पीता है। अच्छा मिला रहे, मिलाओ मैम भी मिलाओ, मिलाओ 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 मिलाओ। ये रख दिया, मिला लो। अब भाई मैं कैमरा पकड़ता नगरी ना करो। भाई सब लोग आओ, ये पश्चिम द्वार के बगल वाली दुकान में भाई की फ्रेंचाइजी है ऋषि के नाम पे। ऋषि का सब्सक्रिप्शन है यहाँ पे, आपके नाम से मेरा चैनल बता गया ना, जरूर कंसेशन मिलेगा तुम सब लोगों को। भाई हाय बोल दो, हाय बोल दो भाई। ये बात, सब लोग आना इस दुकान में भाई, ठीक है। यहाँ पे देख लो,